हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदेश और आपका सबका स्वागत है एसपी व्यूज़ में। आज हम बात करने वाले एक खास परफ्यूम के बारे में जिसका नाम है न्यू डेसी बाय इसी मियाँ के। एडिटी वर्जन है ये, 2014 में रिलीज़ हुआ था। इसी मियाँ के एक जापान के शख्स है जो 1960 में यूएस में मूव हुए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर फैशन वर्ल्ड में काम किया और परफ्यूम्स के ऊपर काम किया। और एक ऐसे शख्स है, उनके काम की वजह से पूरे परफ्यूमरी वर्ल्ड में उनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। तो इसी स्टोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, मैंने सोचा अभी विंटर सीजन नज़दीक आ रहा है, दशहरे का टाइम अभी नज़दीक है, नवरात्रि चालू है, आज से स्टार्ट हो गई है, तो विंटर सीजन के लिए एक खास परफ्यूम के ऊपर हम लोग बात करें, तो उसके लिए मैंने ये परफ्यूम चुना है। और इसकी भी स्टोरी एक अलग है, ऐसी स्टोरी की मेरा खास दोस्त है रंजन शेट्टी, और वो पिछले 2014 से इसी मियाँ के न्यू डेसी यूज़ कर रहे हैं एडिटी वर्जन। और बहुत बार मैंने उसको यूज़ भी किया था, उसकी बॉटल उसकी हमेशा बैग में रहती है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं नॉर्मली आपको वीडियो में बता देता हूँ कि जो भी अत्तर है या परफ्यूम्स है, आप अगर कोई नया परफ्यूम अत्तर खरीदते हो तो उसके लिए पहले उसका डिकेंट खरीदो, उसको टेस्ट करो, उसके बाद आप उसको खरीदो, उसकी पूरी रिटेल बॉटल खरीदो। तो ऑलरेडी मैंने इसके बहुत यूज़ किया था रंजन के साथ, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि इसी मियाँ के की हिस्ट्री ऐसी है कि इसी मियाँ के इन्होंने 1992 में यूडेसी परफॉर्म पोर होम का, मतलब 1992 में उन्होंने रिलीज़ की थी और वो काफ़ी फेमस हुआ और अभी तक उनका बेस्ट सेलर्स में वो परफ्यूम है। उसके बाद 2014 में उन्होंने ये एडिटिव वर्जन निकाला न्यू डेसी, जो काफ़ी डार्क और ओरिएंटल स्पाइसी वर्जन है। तो जितने भी अभी तक मैंने परफ्यूम्स यूज़ किए जिनका मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसमें मुझे सबसे अलग और काफ़ी अच्छा सेंट प्रोफाइल मुझे लगा, जो मेरे टेस्ट के हिसाब से सही है। मुझे डार्क स्पाइसी बोल्ड परफ्यूम काफ़ी अच्छे लगते हैं। माफ़ करना दोस्तों, अभी नवरात्रि का सीज़न चालू है तो बहुत सारा बाहर की आवाज़ आपको। तो यूँ हुआ दोस्तों, रंजन को ये बॉटल ख़रीदनी थी 75 ml। तो हम लोग लाइफस्टाइल करके एक रिटेल का शॉप है वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे काफ़ी सारे कलेक्शंस है बड़े बड़े ब्रांड्स के। तो हम लोग ने जब ये सोचा तो रंजन को ये बॉटल 5300 की पड़ रही थी और उसको डिस्काउंट मिला था 300 का, 75 ml की बॉटल है। जब मैंने सोचा ये बॉटल मैं भी ख़रीद लूँ साथ में, तो हमको स्ट्रेट अवे एक बॉटल के ऊपर 800 rupees का डिस्काउंट मिल गया लाइफस्टाइल स्टोर की तरफ से, और 4500 में ये बॉटल मुझे मिली, तो काफ़ी अच्छी डील रही। और पिछले 8 दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारा जूस मैंने ख़त्म कर दिया इसका। तो ये कैसा परफ्यूम है, कैसे महकता है, इसकी लॉन्जिट्यूटी कैसी है और प्रोजेक्शन कैसे है, इसके बारे में सब बात करेंगे हम लोग। तो पहले बात करते हैं हम इसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन तो नॉर्मली मैं इतने मायने नहीं रखता हूँ, बट ये बॉटल मुझे आज तक की सबसे बेस्ट बॉटल लगी। काफ़ी स्लीक बॉटल है, नीचे की तरफ थोड़ी चौड़ी है बट यहाँ पे पूरी स्लीक हो जाती है। इसका कैप प्लास्टिक का है बट ये बॉटल को ज़बरदस्त तरीके से होल्ड करता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा प्ले है बट ये होल्ड करता है। सेकेंड थिंग, इसका एटमाइज़र, वन ऑफ द बेस्ट एटमाइज़र, बैलेंस्ड मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसका जो स्प्रे है देखो ज़बरदस्त है। इसका स्प्रे काफ़ी एरिया कवर करता है अच्छी तरीके से। इसका जो लेंथ है थ्रो का वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें सबसे खास बात क्या है, इसकी जो ओपनिंग है, मैं नोट्स तो आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके जो नोट्स है वो ज़बरदस्त है। मतलब जो शुरुआत में है इसी में आके मैं आपको खास बताता हूँ, सिट्रस के जो नोट्स है ना उसमें ये कंपनी बाप है। ये मेरा स्टेटमेंट, मतलब ये थोड़ी लैंग्वेज आपको गलत लग सकते हैं, मगर ये कंपनी बाप है सिट्रस के नोट में। इसके जो पहले नोट्स है दो बर्गमॉट और ग्रेपफ्रूट के, काफ़ी ज़बरदस्त है। बिलीव मी दोस्तों, इसकी जो ओपनिंग है ना काफ़ी फ्रेश है और क्लीन है, और जो सिट्रस है ना वो आपको ओरिजिनली लगेंगे, सिंथेटिक नहीं लगेंगे। क्या कहने दोस्तों, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, इसका डिकेंट खरीद के। आपको ओपनिंग के बारे में ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखोगे कि ये ज़बरदस्त है करके। इसके बाद जो मिडल नोट्स जो है इसमें स्पाइसेस, और जो मेरा फेवरेट है वो सबसे बड़ा है ब्लैक पेपर।
और ब्लैक पेपर ने इस परफ्यूम में ज़बरदस्त काम किया है। और इसका जो बेस नोट्स है इसमें है इसेंस, बाद में है टोनका बीन और पचोली। इसेंस ने और एक ज़बरदस्त काम किया है, मतलब आप अगर इस परफ्यूम को ओवरऑल देखोगे तो स्टार्ट से लेके एंड तक अलग अलग कहानी है और ये धमाल मचाती है। जो ग्रेप फ्रूट बर्गमॉट है, फिर ब्लैक पेपर विथ लेदर है, और इसेंस विथ टोनका बीन और पचोली, और एक इबोनी ट्रीज का जो नोट है ज़बरदस्त है। मगर मुझे जो प्रोमिनेंटली जब जैसे से ड्राई डाउन में जाता है तो मुझे प्रोमिनेंटली जो महसूस होता है वो ब्लैक पेपर, लेदर और एसेंस। अगर इसमें एसेंस निकाल दिया जाएगा तो इसमें से पूरा दम निकल जाएगा परफ्यूम का। और ज़बरदस्त काम किया है इसका डोमिनिक रॉपिन ने और ब्लैंक डॉग ने, ये दो परफ्यूमर है इनके, और इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है विथ इसीमिया के। अभी लेट इसीमिया के यहाँ दुनिया में रही नहीं, मगर इन्होंने ये जो काम करके छोड़ा है ना, ज़बरदस्त किया है। इनके और भी फ्लैंकर्स है जो अपने आप में नायाब है, और इसीमिया के जितने भी परफ्यूम्स है उसमें एक खास बात है उनकी कि ये किसी की क्लोन नहीं है, इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है अपनी, तो मुझे ज़बरदस्त लगा। अभी हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। जो इसका प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली थोड़ा सा वीक पॉइंट है इसका, डेढ़ घंटे से दो घंटे का इसका प्रोजेक्शन है, और वो भी 2 फुट का है, ज़्यादा नहीं है। मगर ये स्किन के ऊपर 8 घंटे तक टिक जाता है, और कपड़े के ऊपर 10 से 12 घंटे टिक जाता है, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस है ये ज़बरदस्त है। मगर ओवरऑल में अगर इस परफ्यूम को देखूँ तो ये परफ्यूम मैं कहूँ अगर 100 में से 70 लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा, 30 लोगों को ये परफ्यूम पसंद नहीं आएगा। उसका रीज़न ऐसा है कि ये एक वार्म स्पाइसी परफ्यूम है, इसमें स्वीटनेस काफ़ी कम है, मगर इसकी जो ओपनिंग है वो ज़बरदस्त है, और इसका ड्राई डाउन भी ज़बरदस्त है, और ये विंटर सीज़न के लिए काफ़ी ज़बरदस्त परफ्यूम है। मैं रिकमेंड करूँगा विंटर के लिए। हालांकि मैंने इसको अभी अक्टूबर हीट में यूज़ किया है, मुझे परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं मिली। मैं इसको दिन में 2 बार अप्लाई करता हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ काम करने के लिए सुबह, तो 9 बजे अप्लाई कर देता हूँ, और शाम को आते आते 4-5 बजे के बीच में एक फिर से उसको रीअप्लाई कर देता हूँ। तो मैं दिन भर मुझे इसके विप्स आते रहते हैं, और इसके जो विप्स आते हैं ना वो इसेंस के और ब्लैक पेपर के काफ़ी विप्स आते हैं, और जिसके वजह से इसका जो ड्राई डाउन है वो काफ़ी वुडी भी लगता है, क्योंकि इसमें इबोनी ट्री का भी एक नोट है। और ये जो वुडीनेस है ना, वो मैं अगर शब्दों में बयां करूँ ना तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये शब्दों में बयां करना, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस आला दर्जे की है। अगर इसकी ओवरऑल में कहानी बताऊँ ना, अगर आपने इसको रिस्ट पे गलती से स्प्रे कर लिया तो आप इसके जो महक है उसके दीवाने हो जाओगे, और आप बार बार स्निफ करते रहोगे। तो ये एक मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड टू बी इन योर कलेक्शन प्रेगनेंस है, और इसको आपको कलेक्शन में रखना ही पड़ेगा। बट फिर भी मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप इसका एक डिकेंट खरीद लो और इसको ट्राई करो, और उसके बाद फिर इसका रिटेल पैक खरीद लो। 75 ml में आता है, और एक 125 ml में आता है। तो 75 ml का मुझे 4500 में पड़ा डिस्काउंट में, और 125 का आपको करीबन 6500 और 7000 के बीच में मिल जाएगा। इसका हालांकि जो सेंट प्रोफाइल है जो वर्षा से एक डिलन ब्लू के साथ मिलता जुलता है, इतना मतलब इतना मिलता जुलता नहीं, काफ़ी फ़र्क है वर्षा से डायलन ब्लू का जो मतलब सेंट प्रोफाइल में अगर डिस्क्राइब करूँ तो काफ़ी स्ट्रांग है इससे, और इसका प्रोजेक्शन भी ज़्यादा है, मगर वो काफ़ी महंगा भी है। तो मेरा एक इसमें ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आर्माव जैसी कंपनी ने अपने दाम काफ़ी बढ़ा दिए, और इस बॉटल की और ये ब्रांड की जो कीमत है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो क्यों ना हम लोग जो ओरिजिनल है उसके ऊपर हम लोग जाएँ। आर्माव ने बहुत सारे क्लोन निकाले, जो 1500 की बॉटल थी CDNY की वो अभी 5000 में मिल रही है आपको, और ये 4500 में मिल रहा है, और उससे अच्छा और आला दर्जे का इसका सेंट प्रोफाइल है जो काफ़ी ओरिजिनल है। और ये अगर आपको परफ्यूम लगाना है तो एज ग्रुप में आपको बताऊं तो अबाउट 25 एज, और ये कैजुअल मीटिंग्स के लिए भी ज़बरदस्त है। लेदर जैकेट आप पहनते हो तो उसके ऊपर भी जचेगा ये। अगर आप किसी नाइट इवेंट में जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, या शादी में जा रहे हो, हालांकि शादी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका प्रोजेक्शन इतना लाउड नहीं है, तो आप अगर डेट पे जा रहे हो तो नंबर 1 है। तो क्लोज एनकाउंटर के लिए ज़बरदस्त परफ्यूम है, और डेली रूटीन के लिए भी ज़बरदस्त है। इसका जो पहले वाला फ्लैंकर है
यूडेसी पोरम वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है फॉर समर सीज़न, बट ये मुझे ऑल सीज़न लगा इसलिए मैं 10 out of 10 उसको दूंगा। बट प्रोजेक्शन का अगर आप विचार करें तो आप सोच सकते हो कि कैसा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपकी राय पेश करना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।